सो है व्हाट्सअप गाइस, दोस्तों बात करी जाए स्मार्टफोन्स के रिव्यूज की तो आप सभी जानते होंगे मैं भविष्य में आने वाले हर एक स्मार्टफोन्स के रिव्यूज आपके सामने लाता हूं। लगभग कुछ स्मार्टफोन्स से आपके छूटे होंगे जो आपके नहीं आए हो पाए होंगे, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा स्मार्टफोन्स की डेली वीडियोज डालने का प्रयत्न करता हूँ ताकि आपको नए से नए स्मार्टफोन्स की वीडियोज की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आप हमारे चैनल को डेली विजिट जरूर करा करें। और आज मैं आपके सामने उसी सीरीज का एक पार्ट है जिसमें आज मैं आपके सामने एक स्मार्टफोन्स का रिव्यूज ले आया हूँ। जो स्मार्टफोन्स का रिव्यूज मैं आपके सामने ले आया हूँ दोस्तों वो Vivo का है, Vivo X30। इससे पहले मैं आपके सामने Vivo X30 Pro का रिव्यू ले आया हूं, अगर आपने नहीं देखा हो तो जरूर देखें। आज मैं आपके सामने Vivo X30 का रिव्यू ले आया हूं। सबसे पहले बात करेंगे उसके फुल स्पेसिफिकेशंस की, इसके साथ बात करी जाएगी कि ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों बात करी जाए इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले किसी भी स्मार्टफोन का एम एंड एक मेन पार्ट होता है। और मैं वीडियो बनाने से पहले या वीडियो में सबसे पहले डिस्प्ले को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं। तो डिस्प्ले की बात करी जाए दोस्तों तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 6.44 इंच की डिस्प्ले मिलेगी, 6.44 इंच की डिस्प्ले आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी जो काफी हद तक बढ़िया है। अगर बात करी जाए इस स्मार्टफोन की पिक्सल डेंसिटी की तो इसमें आपको जो पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलेगी वो 409 PPI पर बेस्ड जो काफी हद तक बढ़िया है, यानी 409 PPI पर बेस्ड जो काफी हद तक बढ़िया है। अगर बात करी जाए इसकी डिस्प्ले, इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो काफी हद तक बढ़िया है। और बात करी जाए दोस्तों इस स्मार्टफोन के कैमरा की, कैमरा किसी भी स्मार्टफोन का एम एंड एक मेन पार्ट होता है। अगर आप मोबाइल रहे हैं उसका कैमरा ज़्यादा अच्छा नहीं है तो वो मोबाइल किस काम का। कैमरे की बात करी जाए दोस्तों तो सबसे पहले हम मोबाइल के बैक कैमरे की बात करते हैं। तो बैक कैमरे की बात करी जाए दोस्तों तो इस स्मार्टफोन में जो बैक कैमरा आपको देखने को मिलेगा वो 4 कैमरा न होकर 3 कैमरे सपोर्ट आप उसमें देखने को मिलेगा, जिसमें 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल का कैमरा सपोर्ट आप इसको बैकएंड में देखने को मिलेगा। और बात करी जाए सेल्फी कैमरा की तो इसमें आपको जो सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा वो दोस्तों 32 मेगापिक्सल का रहेगा, 32 MP का सेल्फी कैमरा इसको आपको देखने को मिलेगा जो काफी हद तक बढ़िया है। और बात करी जाए इस स्मार्टफोन की बैटरी बैकअप की, बैटरी बैकअप की बात करी जाए दोस्तों तो 4350 mAh का बैटरी बैकअप आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलता है जो एक नॉर्मल यूज के लिए बढ़िया है। लेकिन 5000 से ऊपर का बैटरी बैकअप होता तो काफी हद तक बढ़िया होता, लेकिन ये इतना बढ़िया नहीं है। और बात करी जाए स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंटरनल स्टोरेज एंड रैम की। रैम एंड इंटरनल स्टोरेज की बात करी जाए दोस्तों तो रैम की बात करी जाए तो इसमें आपको 8 GB का रैम मिलता है, 8 GB रैम जो काफी हद तक बढ़िया है। और इंटरनल स्टोरेज की बात करी जाए तो 128 GB का इंटरनल स्टोरेज आपको इसमें देखने को मिलेगा जो काफी हद तक बढ़िया है, इसके जरिए आप काफी स्टोरेज रख पाएंगे। और बात करते हैं इसके प्रोसेसर की बात करी जाए दोस्तों तो ऑक्टा कोर का प्रोसेसर इसमें आपको देखने को मिलेगा, ऑक्टा कोर 2.2 GHz पर बेस्ड है। इसकी स्पीड को बूस्ट एंड अपग्रेड करने के लिए इसमें ड्यूअल कोर का 1.8 GHz का प्रोसेसर लगाया गया है जो काफी हद तक इसकी स्पीड को बूस्ट एंड अपग्रेड कर देता है। और बात करी जाए दोस्तों इस स्मार्टफोन के चिपसेट की तो चिपसेट आपको इसके अंदर सैमसंग का एक्सोनस देखने को मिलेगा, सैमसंग एक्सोनस 9 Octa इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो कि 980 पर बेस्ड है, सैमसंग 9 Octa 980 पर बेस्ड है जो काफी हद तक बढ़िया है। और बात करी जाए दोस्तों इसके ग्राफिक्स की, ग्राफिक्स माली का देखने को मिलेगा दोस्तों, माली G76 MP5 पर बेस्ड है जो काफी हद तक बढ़िया है। और अब बात करते हैं स्मार्टफोन की प्राइस की बात करी जाए दोस्तों तो इस स्मार्टफोन में आपको जो प्राइस देखने को मिलेगी वो प्राइस लगभग 33,490 की रहेगी, यानी लगभग 33,500 रुपये की। एक एवरेज यूज से थोड़ी ज़्यादा प्राइस तो नहीं है क्योंकि परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक इसकी बढ़िया है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बात करी जाए ये स्मार्टफोन कब तक मार्केट में आ सकता है तो दोस्तों स्मार्टफोन की मार्केट में आने की संभावना लगभग जनवरी की लग रही है, 20 जनवरी 2020 तक मार्केट में आने की संभावना है तो आप इसे ले सकेंगे। इसी के साथ दोस्तों ये सभी इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन थी क्योंकि प्राइस ये, लेकिन ये जब लॉन्च होगा तब इसकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगी। तो आप हमारे चैनल को डेली विजिट जरूर करें ताकि हम आपके लिए स्मार्टफोन के रिव्यूज लाते रहें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से प्रेम पूर्वक हार्दिक अभिनंदन। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ किस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।